हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स वेलकम बैक टू माय चैनल एट गाइस वेलकम टू माय यू चैनल अगर आप पहली बार आए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें ओके सो डियर ये एक टाइमलेस रीडिंग है जनरल रीडिंग है सभी जोडिक साइन के लिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड ओके सभी के लिए ये रीडिंग्स है अगर आपकी स्क्रीन तक आती है और आपके लिए गाइडेंस होगी डेफिनेटली आपसे रेजोनेट जरूर करेगी चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है हरी हर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं ओके आप तक ये रीडिंग जाती है तो आपके लिए कोई गाइडेंस है ठीक है लेट्स सी फोकस कीजिएगा अपने पर्सन की एनर्जीज पे देखते हैं हम क्या निकलता है यहाँ पर पहला मैसेज ये निकल कर आ रहा है रहे गए कि आप में से काफी सारे लोगों की पर्सन की एनर्जी थोड़ी सी अभी फिलहाल में मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा ही इस वक्त में आपकी पर्सन आपको याद कर रहे हैं मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है जैसे इस पर्सन को ना एक दिन एक एक साल के बराबर लग रहा है ये बहुत ही ज्यादा मतलब अलग सा मैसेज निकल कर आया है बट यहां पर इस पर्सन को आपकी बहुत याद आ रही है इस वक्त में लेकिन जब आपका हार्ट चक्र ओपन होता है तो आप यू नो तो, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं ठीक है जब तक आपके आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है या फिर उसमें कोई ब्लॉकेज आ रहा है तब तक आपके अंदर ये रहता है कि आप किसी से बात करें या ना करें ईगो दिखाएं सब कुछ चल जाता है बट जब आपका यू नो हार्ट चक्र ओपन होता है तो कहीं ना कहीं आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा याद आने लगती है सामने वाले व्यक्ति की जो भी आपके दिल में बसा हुआ है ठीक है सो ये वाला मैसेज यहां पर पहला निकल कर मतलब इस समय में समय का मैसेज आ रहा है समय मतलब ये पर्सन को घड़ी मतलब कुछ समय ही ऐसा लगता है कि बहुत लंबा टाइम ये आपसे दूर रहे हैं ऐसा यहाँ कुछ मैसेज आ रहा है इस तो साल के बराबर लग रहा है कुछ ये यह मैसेज यहाँ पर है मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप में से काफी सारे लोग इनावक करके बैलेंस हो चुके हैं ठीक है जब आप इनावर्क करते हैं तो आप काफी बैलेंस हो जाते हैं ये ईगो जिनके अंदर होगा उनके अंदर आ, हीलिंग नहीं होगी ठीक है बहुत सारे लोग ईगो में बात नहीं करते अपने पार्टनर से ईगो तो एक डिफरेंट चीज है हीलिंग एक डिफरेंट चीज है ठीक है अगर आपके अंदर हीलिंग है तो आपका पर्सन आपको ना तो ट्रिगर कर पाएगा और ना ही आपको कुछ भी मतलब बोल पाएगा या फिर आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ना उसकी अच्छी एनर्जी से ना उसकी बुरी एनर्जी से लेकिन जिनके अंदर ईगो है ठीक है उसके पर्सन की अच्छी एनर्जी से भी उन्हें फर्क पड़ जाएगा और अगर उन्होंने कुछ ऐसा बिहेव कर दिया आपके साथ तो आप ट्रिगर भी हो जाएंगे सो so ये भी यहाँ पर एक मैसेज निकल कर आ है कि जिनकी पर्सन उनसे बात करेंगे यहाँ पर क्योंकि मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि पर्सन आपसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे ठीक है लिए लिए खुद को रोक नहीं पाएंगे पर्सन यहाँ पर डेफिनेटली आपसे बात करेंगे जब आपका हार्ट चक्र ओपन होता है तो आप बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और ऐसे जब इंसान इमोशनल होता है तो वो सब बोलेगा वो जो कुछ भी उसके मन में भरा है वो अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करने की पूरी कोशिश करेगा ठीक है क्योंकि यहाँ पर थ्रोट चक्र का भी मैसेज इसके पहले निकल कर आया था यहाँ पर हार्ट चक्र की एनर्जी स्ट्रांग है तो आपके जो पर्सन है वो दिल की बात है डेफिनेटली बोलेंगे उनकी जुबान तक आएंगी चीजें तो यह क्योंकि जब आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज होता है तो अब आप अपनी सच्चाई नहीं बोलते हो आप वो नहीं बोलते हो जो सही है जो आपके दिल में है आप लोगों के हिसाब से या फिर अपनी इमेज को सही रखने के हिसाब से चीजें बोलते हो अपना सत्य नहीं बोलते हो तो हार्ट चक्रा और चक्रा दोनों का ही मैसेज निकल कर आ रहा है मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग कुछ व्यूअर्स मेरे यहां पर ऐसे हैं जो अपने पर्सन को गले लगाने के लिए अभी भी तैयार है मतलब इस टाइम पर भी तैयार है स्कॉर्पियो की एनर्जी स्ट्रांग है मतलब वो ये जो भी लोग हैं वो या तो स्कॉर्पियो है या तो कैंसर है ठीक है और वो बहुत ज्यादा इमोशनल है अपने पार्टनर को लेकर मतलब आप भी यहां पर कुछ लोग ऐसे मौजूद है जो अपने पर्सन को गले लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है कि आपका पार्टनर आए और आप उनके लिए बिल्कुल रेडी बैठे हैं ऐसी भी एनर्जी के लोग यहां मौजूद हैं बट कुछ लोग ऐसे हैं जो काफी हील और बैलेंस हो चुके हैं तो वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उनको अपने पार्टनर की एनर्जी से बट जो लोग भी आ, एनर्जी वाइज ईगो में हैं ठीक है उनका यहां पर ऐसा है इसकी आपको ट्रिगर मिल सकता है इस पर्सन से क्योंकि आप ट्रिगर हो जाएंगे जो लोग भी ईगो में होंगे आपका पर्सन आपसे बात करेगा अगर वो आपसे अच्छी बात करेगा तो आप बह जाएंगे और अगर उन्होंने आपको यू you नो know, कुछ ऐसा बोल दिया तो आप ट्रिगर भी हो जाएंगे ये भी यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है यहां पर सेवन नंबर है नाइन नंबर यहाँ पर पेड़ नजर आ रहा है यहाँ पर ट्री नजर आ रहा है ये पर्सन लगातार आपको ग्रोथ करते हुए देख रहे हैं नंबर भी नजर आ रहा है यहाँ पर मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है कि आप लगातार ग्रोथ कर रहे हैं ठीक है जैसे पेड़ होता है ना कि बड़ा होता जाता है होता जाता है ठीक है उस तरीके से यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि मतलब आप आप बहुत ज्यादा आपकी जो जड़ें हैं वो फैलती जा रही हैं कुछ इस तरीके का मैसेज आ रहा है तो लगातार आप ग्रोथ कर रहे हैं ठीक है ऑल्सो आपके मतलब पेड़ कहीं ना कहीं फल भी देता है ठीक है तो मतलब जो आ, एक तरीके से पेड़ से अगर मैं कम, आपका पार्टनर अगर आपको कंपैरिजन कर रहा है ठीक है अगर पेड़ यहां पर निकल कर आ रहे तो कहीं ना कहीं न एक ऐसा मैसेज दे रहा है कि आप जो भी काम कर रहे हैं आप जितनी भी ग्रोथ कर रहे हैं आप जितना भी खुद को फैला रहे हैं ठीक है आप जितना भी अपने आप को सींच रहे हैं कहीं ना कहीं एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि उसके फ्रूट्स भी आएंगे और आपको पता है कि फ्रूट्स एंजॉय कौन करता है ठीक है फ्रूट्स कौन एन्जॉय करते है लोग इन्जॉय करते हैं तो यहां पर आप बहुत ही अच्छा एक हम ये कह सकते हैं सोल पर्पस भी कर रहे हो सकते हैं मतलब जो भी काम आप खुद के ऊपर करते हैं जो भी परमात्मा आपको गिफ्ट देते हैं जो भी आपको मिलता है उसको कौन यूज करता है बेसिकली आप लोगों की हेल्प में ही उनको यूज करते हो ठीक है तो लोगों की हेल्प ही हो रही होती है उससे वो आपका सोल पर्पज होता है बेसिकली तो यहां पर ये चीज करते हुए आपके पर्सन आपको देख रहे हैं मतलब जो भी उसके फल उस पेड़ के मीठे फल हैं फ्रूट्स हैं उनको लोग इंजॉय कर रहे हैं ठीक है लोग ही इंजॉय करेंगे बच्चे इंजॉय करेंगे जो भी है तो यहां पर इस तरह की एनर्जी यहां पर निकल कर आ रही है ठीक है सो आपका पर्सन आपको सोल पर्पस करते हुए इस समय में देख रहे हैं ठीक है यहां पर आपके पर्सन ऐसा भी देख रहे हैं आपको कि आप आप में से कुछ लोग ना टीचर टीचिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आती है या तो आप लोग कोई ना कोई डेफिनेटली हीलिंग वर्क कर रहे हैं ठीक है तो क्योंकि मुझे टीचिंग की एनर्जी बहुत बार नजर आई जैसे आप कुछ समझा रहे हो कुछ पढ़ा रहे हो कुछ मोटिवेट कर रहे हो इंस्पायर कर रहे हो आई डोंट नो बट यहां पर कुछ लोग हैं जो आपको सुन, न, सुन रहे हैं तो ये मैसेज कई बार निकल कर आता है मुझे यहां पर कुछ ऐसा भी मैसेज मिल रहा है कि आपके जो पर्सन है इन्होंने आपको कंपैरिजन सब चीज के साथ करके देख लिया ठीक है यहां पर कुछ ऐसा भी कुछ लोगों के लिए ये मैसेज निकल कर आ रहा है गाइस आप इस रीडिंग को डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में क्लेम कीजिएगा आपके आप में से कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी है कि इन्होंने आपको सबसे कंपेयर करके देख लिया इन्होंने अपनी ईगो को बढ़ाने के लिए पैसा कमा कर देख लिया बहुत पैसा कमा कर देख लिया बहुत ग्रोथ के बारे में सोच कर देख लिया दूसरे इंसान से कंपेयर करके देख लिया आपको ठीक है ओ माय गॉड देखिए ऐसा लग रहा है जैसे इनकी सच्चाई बाहर आ रही है आप देख सकते हैं फ्लेम क्या फ्लेम कितनी स्लो हो गई ठीक है तो कुछ ऐसा मैसेज आ रहा है गाइस के ये जो भी इंसान है आ आ, ओके तो मतलब ये नहीं चाहते कि ये वाला राज बाहर आए क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है रीडिंग में ठीक है ऐसा बहुत कम होता है तो आपके जो पर्सन है वो नहीं चाहते कि ये वाला राज आप बाहर निकालें बट ठीक है हम निकालते हैं Wait wait a second ओके okay गाइस तो यहाँ पर कुछ मैसेजेस और आए हैं ठीक है यहाँ पर जो मैं बता रही थी पर के लेटर है ठीक है ये मैसेज के लेटर वालों को सुनने की जरूरत है ठीक है आपकी जो पर्सन है इन्होंने आपका कंपैरिजन सबके साथ करके देख लिया ठीक है यहां पर ये यह मैसेज निकल कर आ रहा है मतलब सबके साथ कंपैरिजन करने का मतलब क्या है आ, इस पर्सन ने बहुत ज्यादा मजलिस्टिक होकर देख लिया ठीक है आपकी प्लेस भी किसी और को देकर देख ली और काफी ज्यादा मुझे लगता है कि हर तरीके से यू नो आपको कंपेयर करके देख लिया कि आपको भुलाने का जितना साधन हो सकता था इस पर्सन ने सब करके देख लिया बट एंड में इस पर्सन के हाथ कुछ भी नहीं लगा बिकॉज यहाँ पर ये एनर्जी फील होती है कि ये पर्सन यू नो आपके लव के सामने हारे ही हैं ठीक है थीके? मतलब कहते हैं ना कि आप लव को कंपेयर करके देख लो पूरी दुनिया में किसी भी चीज के साथ ठीक है किसी भी इंसान के साथ कंपेयर कर लो किसी भी मटलिस्टिक चीज के साथ कंपेयर कर लो बहुत ज्यादा पैसे के साथ कंपेयर कर लो ठीक है अगर अगर किसी ने आपको ऐसा लव दिया है जिसमें ग्रीडीनेस थी जिसमें धोखेबाजी थी जिसमें लालसा थी लालच था तो आपको डेफिनेटली आपसे मतलब आपके पार्टनर को आपसे बेटर कोई भी मिल जाएगा लेकिन अगर आपकी मैं आपके लव में सिर्फ और सिर्फ यू you नो know, कोई कंडीशन नहीं थी वो बहुत ही ज्यादा प्योर और पाक था डिवाइन था तो फिर आपके पर्सन किसी भी चीज़ के पास भी जाते हैं तो वहां पर हारते ही हारते बिकॉज इसका कोई कंपेरिजन नहीं है ठीक है फिर इस लव का कोई कंपैरिजन नहीं है जहां पर डिवाइन लव की बात होती है तो ये मैसेज बहुत सारे स्ट्रांग लोगों के लिए निकल कर आ रहा है तो बहुत स्ट्रांग निकल कर आया है कुछ लोगों के लिए और जो आपके पर्सन नहीं चाहते थे कि आपको बताया जाए ठीक है कि ये हर तरफ से मतलब इन्होंने कोशिश करके देख ली कि मतलब अपना ईगो बढ़ाकर देख ली ठीक है यहां पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मेरे व्यूअर्स ने अपने पार्टनर्स को दिया है यहां पर कुछ ऐसा मैसेज भी है और यहां पर जब जहां पर मुझे ये भी नजर आ रही है कि जितनी नेगेटिव चीजें आपके बारे में आपके पर्सन को बोली गई है ना उस सब चीजों ने आपके पर्सन को बहुत नेगेटिव कर दिया था मुझे ऐसा लगता है कि दोनों तरफ से आपके पर्सन के कान भरे गए थे पास्ट में ठीक है ये मैसेज भी यहां पर निकल कर आ रहा है दोनों तरफ से आपके पर्सन के कान भरे गए थे और आपके खिलाफ नेगेटिव नेगेटिव डाला गया था आपके पार्टनर के कानों में ठीक है सो तो आप जिसकी वजह से आपका पर्सन बहुत नेगेटिव हो गया था और जैसे जैसे इस पर्सन की डीप क्लेंजिंग हो रही है डीप क्लेंजिंग आप समझ रहे होंगे ठीक है स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट है तो वो ऑटोमेटिक होती है आपकी न्यू मून फुल मून के आसपास आपकी क्लेंजिंग बहुत ज्यादा होती है तो जैसे जैसे डीप क्लेंजिंग इस पर्सन की हो रही है इस पर्सन के अंदर से जितनी चीजें जो है गलत आपके बारे में डाली गई थी जब इस पर्सन को समझाया जा रहा है इस पर्सन का हार्ट चक्र ओपन हो रहा है तो इस पर्सन को ना रिग्रेट के अलावा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है इस वक्त में ठीक है और लगातार ये पर्सन नो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे आपसे बात करके बिना ठीक है तो ये चीजें हैं जो आ, एंजल्स के द्वारा आपके पर्सन की लाइफ में परिवर्तित की जा रही है ये मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है बहुत ज्यादा नेगेटिव आपके बारे में इस पर्सन के कानों में भरा गया है गाइस लिटरली अगर ये पर्सन आपसे भागे हैं माय गॉड लाइट भी चली गई आज तो कुछ ऐसा है जो मुझे लगता है कि नहीं चाहता कि आप ये जाने आई डोंट नो बट इस तरीके के मैसेज आ रहे हैं ओके सो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन और क्या सोच रहे हैं कार्ड से देखने की कोशिश करते हैं प्लीज गाइड कीजिए एंजिय मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है ओके गाइस यहाँ जजमेंट की एनर्जी है टैन ऑफ कप्स किंग ऑफ कप्स पेज ऑफ क्वाइंस किंग ऑफ क्वाइंस डेथ और जजमेंट ओके सो क्या दिखाई दे रहा है सबसे पहले गाइस यहाँ पर टैन ऑफ कप्स की एनर्जी है आपके जो पर्सन है आप में से काफी सारे लोग के पर्सन स्टेबिलिटी देख रहे हैं ठीक है एक फैमिली देखने की कोशिश कर रहे है uh, यहाँ पर स्टेबिलिटी चाहिए इस पर्सन की लाइफ में इनको अभी फिलहाल में यहां पर तीन तीन किंग निकल कर आए हैं आज किंग ऑफ कप्स हैं जो बहुत इमोशनल हैं किंग ऑफ क्वंस हैं जो स्टेबिलिटी की बात करते हैं एंड किंग ऑफ शॉर्ट्स हैं जो बहुत ही ज्यादा रूड होते हैं कई बार बहुत ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि समझदार भी होते हैं तो यहां पर तीन तीन किंग की एनर्जी इस वक्त में मौजूद है तो आपका पर्सन मैंने बोला ना इस पर्सन ने हर चीज करके देख ली मैंने आपको बताया इस पर्सन ने ईगो दिखा के देख लिया गुस्सा करके देख लिया इस पर्सन ने और सारी चीजों को भी ट्राई करके देख लिया स्टेबिलिटी पर भी बहुत फोकस करके देख लिया बहुत मनी पर हर चीज पर फिर यहां पर अंत में ये निकल कर आता है इस पर्सन को पता चला कि नहीं ये जिन भी चीजों से भागने की कोशिश कर रहे हैं वो गलत है ठीक है क्योंकि यहां पर इमोशंस हैं और ये कब पॉसिबल है कुछ लोगों को ये लगता है कि उसको कभी समझ में नहीं आएगा देखिए ये चीज तभी समझ में आ सकती है जब आपके अंदर या तो हीलिंग हो रही हो या फिर आपकी डीप क्लेंजिंग हो रही हो या फिर आप कही कहीं ना कहीं किसी स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट है ठीक है या फिर किसी तरीके का वर्क आपके ऊपर हो रहा है तभी ये चीजें आपको रियलाइज हो सकती हैं अदरवाइज अगर आपके अंदर कोई हीलिंग नहीं हो रही है और कोई आपके अंदर आ, कोई लर्निंग नहीं है आपको कुछ भी रियलाइज नहीं हो रहा है या फिर आ, आप मतलब बाहर की तरफ ही ज्यादा फोकस्ड हैं और आपको मतलब कहीं से कोई नॉलेज नहीं कोई विजडम नहीं मिल रही तो हो सकता है कि ये लाइफ में आपकी स्पिरिचुअल जर्नी ना हो आपकी मटेरिस्टिक जर्नी हो देखिए आप यहां तक आए हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग में से तो काफी सारे लोग स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट है ठीक है तो आपके अंदर हीलिंग दे रहे परमात्मा आप रीडिंग देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको हीलिंग दे रहे हैं तो आपको चाहते हैं वो इस लाइफ टाइम में कि आप अपने वर्ंडस को हील कर लें बट आप में से कुछ लोगों के पर्सन जो यू you नो know, इस जर्नी में नहीं है या फिर हो सकता है कि वो वो आपको ही अवेकन करने आए थे क्योंकि अगर आप इस जर्नी का पार्ट है तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो पार्टनर भी है ठीक है और अगर वो है तो उनका सबसे ज्यादा आपको जो समझ में आएगा वो ये कि उन जैसे जैसे आपके अंदर क्लेंजिंग होगी उनके अंदर भी आपको कुछ चेंजेस नजर डेफिनेटली आएंगे क्योंकि इतना ईगो इतना सब कुछ ये चीजें तभी आपको रियलाइज होती हैं जब आपके अंदर या तो हीलिंग हो या फिर आपको स्ट्रांग कहीं से लर्निंग मिल रही हो ठीक है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ समय बाद आपके पर्सन की यू नो अवेकनिंग हो या अवेकनिंग का टाइम भी डिपेंड करता है इस चीज पर कि आपकी जो प्लैनेट्स हैं कई बार ऐसा हो रहा होता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर बहुत ज्यादा खुश है वो उतने टाइम तक खुश है जब तक कि उसका वो जो कहते हैं ना गुड लक यू you नो know, जो उसका अच्छा समय है वो चल रहा है जैसे उसका बेड टाइम स्टार्ट होगा कोई महादशा दशा अंतरदशा कोई ऐसे प्लानिट की आएगी जो लर्निंग देता है ठीक है जो उसके यू uh, नो you know, उसके पर चार्ट में अफेक्टेड है तब आप देखेंगे कि उसकी लर्निंग स्टार्ट हुई है उसके बाद अवेकनिंग स्टार्ट हुई है उसके बाद चीजें उसको रियलाइज होना स्टार्ट हुई है तो ये डिपेंड करता है ये आपको पर्सनल रीडिंग से या फिर आप अपनी एस्ट्रोलॉजी चार्ट किसी को दिखाएंगे उससे आप बता सकते हैं आप अपने पार्टनर को किसी को दिखाएंगे तो उससे वो परफेक्टली आपको बता सकते हैं बट ये चीजें होंगी डेफिनेटली और ये जो चेंज का मैसेज आता है ना ये चेंज उनकी लाइफ में होगा जो लर्न करेंगे ठीक है क्योंकि जो लर्न करेगा जो सीखेगा वो चेंज होगा हंड्रेड परसेंट चेंज होगा तो यहां पर जो एनर्जी आ रही न, है ना डेथ की एनर्जी है देखिए ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है तो अगर आपके पर्सन के अंदर इमोशंस हैं और इन्होंने इमोशंस से ऊपर बहुत सारी चीजों को दी हुई थी या सब कुछ को दिया हुआ था तो इस समय में इस पर्सन की एनर्जी है कि इन्होंने आपका जो कंपेरिजन है वो हर चीज के साथ करके देख लिया बट ये पर्सन लास्ट में हार ही है इमोशंस में इंसान हारता ही है कहीं ना कहीं वो उसको इग्नोर करने की कोशिश कर रहा होता है और जैसे जैसे आपके अंदर क्लेंजिंग होती है ये नेगेटिविटी आपके अंदर से हटना स्टार्ट होती है आत्ममंथन स्टार्ट होता है तो जितनी नकारात्मकता है ये ऊपर की तरफ आकर रिलीज होती है जैसी ये रिलीज होगी आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है वो बाहर आएगी जो आपके अंदर अच्छाई है वो बाहर आएगी जैसी वो बाहर आएगी फिर आपको वो वो काम करने पर मजबूर करेगी जो अच्छे हैं ठीक है जो सही है जब तक आपके अंदर नेगेटिविटी भरी होती है तब तक आप वो काम करते हैं जो गलत है ठीक है क्योंकि आपका मन मतलब आपके मन में दोनों चीजें हैं विष भी है और अमृत भी है ठीक है जब विष निकल जाएगा तो अमृत ही बचेगा सो so, लाइक like, इस तरह की एनर्जी है तो जो लोग भी कहते हैं कि कब होगा कैसे होगा ठीक है अगर आपको बहुत जल्दी है गाइस तो आपके पास ऑप्शन है आप किसी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं किसी भी टैरो रीडिंग से टैरो रीडर से कि वो आपको टाइमिंग बता दे या फिर आप अपना एस्ट्रोलॉजी चार्ट दिखा सकते हैं या फिर आप अपने पार्टनर का एस्ट्रोलॉजी चार्ट दिखा सकते हैं क्योंकि अगर आपको यू you नो know, ये एक जनरल रीडिंग होती है तो यहां पर परमात्मा आपको गाइड कर रहे हैं कि चीजें सबके साथ होनी है बच कोई नहीं सकता है ठीक है आप सोचो आपके साथ हुआ है आपका पार्टनर बच जाएगा तो ये इम्पॉसिबल है लेकिन उनके साथ कब होगी उनके उनकी लर्निंग कब होगी ये आप उनके बर्थ चार्ट से जान सकते हैं अपने बर्थ चार्ट से जान सकते हैं कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड कब कब तक चलेगा ठीक है आपकी लाइफ में गुड लक कब स्टार्ट होगा आप टैरो से जान सकते हैं ओके तो so, जिनके भी सवाल आते हैं आप पर्सनल ले सकते हैं गाइस ठीक है आपके पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं ठीक है मैं भी पर्सनल रीडिंग करती नहीं हूं मैं डेफिनेटली मैं भी सोच रही हूं एक आध महीने में मैं भी पर्सनल रीडिंग डेफिनेटली स्टार्ट करूंगी तो आप उस समय ले सकते हैं ठीक है तब तक लिए आप वेट कर सकते हैं या फिर आप किसी और टैरो रीडर से ले लीजिए जो भी आपको पसंद आते हैं सो so, हम देखते हैं आपका अल्फाबेट क्या है ओके okay? हाँ सॉरी यहां पर आपकी आपकी एनर्जी बता देती हूँ पार्टनर की आ, तो आपके जो पर्सन है यहां पर काफी सारे लोग के पर्सन अब स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि वो समझ में आ रहा है कि इनकी स्टेबिलिटी ना मनी में है ना और सारी चीजों में है इनकी स्टेबिलिटी एक अच्छा पार्टनर इनको चाहिए ठीक इस है इसमें है ठीक है तो यहाँ पर काफी सारे लोग के पार्टनर इसमें देख रहे हैं टैन ऑफ कप्स ठीक है वो ये देख रहे हैं कि आपके साथ फैमिली ठीक है आपको दिख रही होगी काफी खूबसूरत सी एंड यहाँ पर इमोशनल नजर आ रहे है काफी आज के दिन में और वो भी इसीलिए क्योंकि जो शुद्धिकरण इस पर्सन का हो रहा का है उसकी वजह से यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है ठीक है इस पर्सन की लाइफ में फिलहाल परीक्षाएं चल रही है ट्रांसफॉर्मेशन में और कुछ नहीं होता परीक्षाएं होती हैं और बहुत खतरनाक होती हैं ठीक है थीके? काफी आ, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि बहुत पेन होता है ठीक है इतना आसान नहीं है अपने ही नेगेटिविटीज के साथ डील करना अपने ही आपको देखना कि आपके अंदर कितनी कमियां हैं जब यूनिवर्स आपको गिनवाने पर आते हैं कि दूसरों में तो बहुत नजर आ रही है अपनी जरा उंगलियों पर कर देखो कि कितनी कमियां तुम्हारे अंदर बड़े बड़ा कष्ट होता है लेकिन वो करना पड़ेगा आपको ठीक है तभी आप एक अच्छी एनर्जी में वापस से निकल कर आ पाएंगे और हीलिंग आपकी अच्छे से हो पाएगी तो फिलहाल एनर्जी ये निकल कर आ रही है कि आपका पर्सन आपको ले कर, आपको लेकर काफी इमोशनल है इस वक्त में काफी सारे लोग के पार्टनर की एनर्जी में काफी ज्यादा इमोशनल है वो आपको लेकर ठीक है ये मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं के जे सी एफ बी एक्स आई ओके यहाँ पर वन टू थ्री है तो ये नंबर्स हैं और ये लेटर्स यहां पर निकल कर आ रहे हैं ठीक है गाइज सो so, uh, आप मुझे अपना फीडबैक जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको कोई सवाल पूछना है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आंसर मैं आपको रीडिंग में ही दूंगी अपनी तीनों रीडिंग में से किसी में भी ओके सो वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए फॉर एनर्जी एक्सचेंज और पसंद आती है गाइस तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को थैंक यू सो वेरी मच